Hello friends, today we will talk about the Psyllium of Balanoglossus. अगर आपने इससे पहले का हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि बैलेनोग्लॉसस की बॉडी जो होती है उसे तीन रीजन में बॉडी जो होती है बैलेनोग्लॉसस की वो अनसेगमेंटेड होती है बट थ्री रीजन्स में उसे हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक यही तीन पार्ट्स होते हैं बैलेनोग्लॉसस की बॉडी के। तो यहाँ हम बैलेनोग्लॉसस में पाए जाने वाले सीलोम की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जो बैलेनोग्लॉसस की बॉडी में पाए जाने वाली सीलोम होती है वो स्पेसियस होती है, लाइंड होती है किसके द्वारा, बाय द सीलोमिक एपिथीलियम। और ये सीलोम ओरिजिनेट्स होता है कहाँ से, तो फ्रॉम द इंटेरोसिलस, इंटेरोसिलस से ओरिजिनेट होता है। और अगर बात करें प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में पाए जाने वाली सीलोमिक कैविटी जो होती है वो एक दूसरे से सेपरेटेड होती है, एक दूसरे से अलग होती है इसके द्वारा, तो बाय द कनेक्टिव टिश्यू, हाँ बाय द कनेक्टिव टिश्यू वॉइड। जबकि अगर हम बात करें एडल्ट बैलेनोग्लॉसस की बॉडी में तो ये जो सीलोम है, कैविटीज़ हैं, ये किसके द्वारा सेपरेटेड होती हैं, तो बाय द मसल फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल फाइबर्स के द्वारा इन द एडल्ट बैलेनोग्लॉसस ये कैविटीज सेपरेटेड होती हैं एक दूसरे से। और इन द एडल्ट अगर बात करें, इन द एडल्ट बैलेनोग्लॉसस देयर आर फाइव सेपरेट कैविटीज, पांच सेपरेट कैविटीज होती हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं वीडियो में ऊपर से डिस्क्राइब किया गया है कि इन द बैलेनोग्लॉसस द एडल्ट वॉर्म जो होता है सेपरेटेड फाइव कैविटीज ओरिजिनेट्स फ्रॉम आर्केंटेरॉन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के समय आर्केंटेरॉन से ओरिजिनेट होती है फाइव सेपरेट कैविटीज, अलग अलग कैविटीज ओरिजिनेट होती हैं। द कैविटी इज सेपरेटेड एज वन कैविटी इन प्रोबोसिस, टू इन कॉलर एंड टू इन ट्रंक। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एक कैविटी प्रोबोसिस में पाई जाती है, दो कैविटी इन द कॉलर एंड टू कैविटीज इन द ट्रंक। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे प्रोबोसिस सीलोम की। दोस्तों प्रोबोसिस सीलोम जो होती है वो अनपेयर्ड होती है, सेपरेटेड होती है बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फाइबर्स के द्वारा। और जो प्रोबोसिस सीलोम की अगर हम बात करें तो प्रोबोसिस सीलोम कम्युनिकेट्स प्रोबोसिस सीलोम जो होता है वो कम्युनिकेट होता है टू आउटसाइड, बाहर की तरफ कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड बाय ए प्रोबोसिस पोर एंड प्रोबोसिस सीलोम, सॉरी बाय ए प्रोबोसिस पोर एंड प्रोबोसिस कैनाल। प्रोबोसिस सीलोम जो होती है वो अनपेयर्ड होती है और बाहर की ओर से कम्युनिकेटेड होती है बाय ए प्रोबोसिस कैनाल एंड ए प्रोबोसिस पोर। और जो प्रोबोसिस पोर होता है दैट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ प्रोबोसिस स्टॉक, प्रोबोसिस स्टॉक के बेस पे पाई जाती है प्रोबोसिस पोर, जिसके द्वारा प्रोबोसिस में पाई जाने वाली जो सीलोम होती है वो आउटसाइड बाहर की ओर से कम्युनिकेटेड होती है, जुड़ी हुई होती है। तो ये था दोस्तों प्रोबोसिस सीलोम। अगर हम बात करें अब कॉलर में पाए जाने वाली सीलोम, दैट इज द कॉलर सीलोम, जो कि पेयर्ड होते हैं, दो होते हैं। अब द कॉलर सीलोम, कॉलर की जो सीलोम होती है, सबसे पहले हम बात करें कि कॉलर में पाए जाने वाली सीलोम कॉलर में प्रेजेंटेड कहाँ होती है। तो द कॉलर सीलोम इज प्रेजेंटेड बिटवीन द कॉलर वॉल एंड बकल ट्यूब, कॉलर वॉल और बकल ट्यूब के बीच में पाई जाती है कॉलर सीलोम। द बोथ टू कैविटीज, ये दोनों कैविटीज जो होती हैं ऑफ द कॉलर की आर इनकम्प्लीटली डिवाइडेड बाई द मिड डॉर्सल एंड मिड वेंट्रल मिजेंट्रीज, मिड डॉर्सल एंड मिड वेंट्रल मिजेंट्रीज के द्वारा इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, अपूर्ण रूप से विभाजित होता है। और दिस सीलोम डज नॉट कम्युनिकेट्स विथ प्रोबोसिस सीलोम बट पोस्टीरियरली इट्स ईच कैविटी ओपन इन टू फर्स्ट गिल बाई ए कॉलर कैनाल एंड कॉलर पोर। अगर दोस्तों हम बात करें कॉलर सीलोम की, तो जो कॉलर सीलोम होता है जैसे कि पहले बताया जाएगा कि पेयर में होता है, और प्रत्येक सीलोम कॉलर सीलोम प्रोबोसिस सीलोम के साथ कम्युनिकेटेड नहीं होता बट पोस्टीरियरली पीछे की ओर अगर कॉलर सीलोम की बात करें तो वो बैलेनोग्लॉसस में पाए जाने वाले फर्स्ट गिल में ओपन होता है किसके द्वारा, तो बाय द कॉलर कैनाल एंड कॉलर पोर के द्वारा, बाय द कॉलर कैनाल एंड कॉलर पोर के द्वारा।
दोस्तों ये था कॉलर सिलोम। अब हम बात करें ट्रंक सिलोम, जो ट्रंक में पाए जाने वाली सिलोम होती है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ट्रंक में जो सिलोम होती है वो प्रेजेंटेड कहाँ होती है। द ट्रंक सिलोम इज प्रेजेंटेड बिटवीन दी बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बॉडी की वॉल और गट वॉल के बीच में पाई जाती है ट्रंक सिलोम, विच इज़ क्लोज्ड कैविटी एंड अकर इन पेयर। जैसे कि पहले बताया चुका है कि ट्रंक में भी पाए जाने वाली जो कैविटी होती है वो पेयर में होती है और एक क्लोज्ड कैविटी होती है, और दैट इज सेपरेटेड सेपरेटेड बाई एन इनकम्प्लीट डॉर्सल एंड कम्प्लीट वेंट्रल मेसेंट्री। एक इनकम्प्लीट डॉर्सल और एक कम्प्लीट वेंट्रल मेसेंट्रीज के द्वारा ट्रंक सिलोम सेपरेटेड होता है। तो ये था दोस्तों सिलोम ऑफ बेलेनोग्लॉसस, इसको हमने अभी स्टडी किया। तो दोस्तों यहाँ एक फिगर भी दिया हुआ है जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ प्रोबोसिस में पाए जाने वाले सिलोम को डिस्क्राइब किया गया है थ्रू दी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्रोबोसिस। प्रोबोसिस को ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाया गया है। जैसा कि लेफ्ट साइड से अगर नेमिंग देखें तो नर्वस लेयर है, नीचे की ओर आए तो रेडिएटिंग लॉन्गिट्यूडनल मसल स्ट्रेंड्स है, अगर राइट साइड में देखें तो एपिडर्मिस, देन द ग्लोमेरुलस एंड नेक्स्ट इज द प्रोबोसिस सिलोम जिसके हम अभी स्टडी कर रहे हैं, और देन इज द कनेक्टिव टिश्यू। ये था दोस्तों ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द प्रोबोसिस सिलोम ऑफ बेलेनोग्लॉसस। अब आज हमने स्टडी किया बेलेनोग्लॉसस के सिलोम के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर।